फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही यम्मी यम्मी मलाई कुल्फ़ी की रेसिपी, जो कि बहुत ही अच्छी बनी थी और सच में और इतना टेस्टी। केवल आपको दो चीज़ें चाहिए इसको बनाने के लिए, और दो इंग्रेडिएंट्स की रेसिपी है, बाकी कुछ नहीं चाहिए इसको बनाने के लिए, और ये सच में बहुत अच्छी बनी थी। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप घर पे कुल्फ़ी बना के खा सकते हैं, और समर भी स्टार्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं। और जो वीडियो के नीचे लाइक का बटन होता है उसको क्लिक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 kg मिल्क लिया है फ्रेंड्स, तो हमें चाहिए इसके लिए 1 kg मिल्क। तो मिल्क को हमको गरम करना है, और यहाँ पे हमें मिल्क गरम किया हुआ मलाई निकला मिल्क नहीं लेना है, ताज़ा मिल्क लेना है, जो कि हम जैसे जो भी ताज़ा मिल्क होता है बिना गरम किए उसको लेना है, और उसको हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है, और इसको धीमी आंच पे हमें पकाते रहना है जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाए। और यहाँ पे मैंने इसमें केसर मैंने यूज़ किया है, आप इलायची भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ केसर के धागे डाले हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये केसर के धागे भी हैं। इससे क्या है कि केसर फ्लेवर आएगा, आप इलायची डालो तो इलायची फ्लेवर की हो जाएगी हमारी कुल्फ़ी। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छे तरीके से धीरे धीरे ये हो रहा है, और जो साइड में होता है उसको हमें ऐसे खरच खरच के अंदर डालते जाना है, उसको अलग नहीं करना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एकदम अच्छे से होने वाला है। तो इस स्टेज पे हमें शुगर ऐड करना है, तो शुगर आप अपने जितना क्वांटिटी हो उसके हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, इसको पकाने के बाद हमें गैस को बंद कर देना है। तो आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी और कितनी अच्छी रबड़ी जैसा बन गया है। इसको हमें रख देना है ठंडा होने के लिए, फिर हमें लेना है मिक्सर ग्राइंडर, और इसमें हमें इसको चला लेना है जो कि थोड़े खुरचन है वो अच्छे से स्मूथ उसमें आ जाए। तो आप देख सकते हैं कैसा हो गया है, तो इस तरह का हमको रखना है इसका। अब हम ले लेंगे कुल्फ़ी मोल्ड। अगर आपके पास कुल्फ़ी मोल्ड नहीं है तो आप इसको ग्लास में भी कर सकते हैं, बाउल में भी कर सकते हैं, जो कि जैसे कि पानी पीने का ग्लास आता है वो भी ले सकते हैं जो कि डिस्पोजल होता है। तो यहाँ पे मैंने ये 4 कुल्फ़ी यहाँ पे रेडी हुई हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है। बाकी थोड़ा बचा है तो वो मैं एक बाउल में उसको मैं जमाऊँगी। तो यहाँ पे ये मैंने इसमें बाउल में ले लिया, ये एयर टाइट कंटेनर है, इसमें भी अच्छा जमता है। तो अब हम इसको रख देंगे फ्रीज़र में, और इसको हमें ओवरनाइट रखना है, तो हमारी कुल्फ़ी बहुत अच्छी जमेगी। तो यहाँ पे जम गई है, मैं निकाल रही हूँ। तो यहाँ निकाल एक ट्रे लेंगे, ट्रे में थोड़ा पानी ले लेंगे, फिर उसके थोड़ा सा उसको गीला कर देंगे ताकि हमारी जो कुल्फ़ी है वो आसानी से बाहर आ जाए। तो आप देख सकते हैं इसको मैं अभी बहुत आसानी से निकाल के। निकालने के प्रोसेस में हमें क्या करना है कि इसको जिग जैग करके निकालना है। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया है जिग जैग करके, तो एकदम अच्छे से हमारी कुल्फ़ी निकल गई है, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड बहुत अच्छी बनी है, और आपको लगता होगा कुल्फ़ी बनाना कितना कठिन है, तो बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत इजी है, और आप इसको बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत बिल्कुल बताइएगा कि आपकी कुल्फ़ी कैसी बनी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू रेसिपी डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ़।